अगर आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और अचानक कॉल कट जाए तो यकीनन आपको गुस्सा आएगा या फिर आपका मूड ऑफ हो जाएगा। आपको बता दें, इस समस्या से सिर्फ आप ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी जूझ रहे हैं। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट से घर लौटते समय उन्हें फ़ोन पर बात करने में काफ़ी दिक्कत हुई। टेलीकॉम डिपार्टमेंट से इस परेशानी को साझा करते हुए पीएम मोदी ने जल्द ही तकनीकी समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। वहीं मोबाइल ऑपरेटर से ग्राहकों को पूरी तरह संतुष्ट करने को कहा गया है। प्रगति पहल के तहत पीएम मोदी अपने टॉप सचिवों के साथ संवाद कर रहे थे। इसी दौरान टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदरराजन विभाग को कॉल ड्रॉप समेत ग्राहकों की शिकायतों के बारे में जानकारी दी गई, जिस पर पीएम मोदी ने भी टिप्पणी की और बताया किस तरह एयरपोर्ट पर वे लोगों को कॉल ड्रॉप समस्या से जूझते हुए देखते हैं। वहीं कॉल ड्रॉप अब एक राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। सूत्रों की माने तो टेलीकॉम सेक्रेटरी से कॉल ड्रॉप पर फाइन या जुर्माना वसूलने के बारे में जानकारी मांगी गई, जिस पर सुंदरराजन ने बताया प्रतिदिन कॉल ड्रॉप पर एक रुपया चार्ज करने का प्रस्तावित कानून लागू नहीं हो पाया है। वहीं खराब सर्विसेज से मोबाइल ऑपरेटर से जुर्माना वसूलने पर सुंदरराजन ने बताया कि मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई डिटेल नहीं दी गई है। पीएम मोदी के कॉल ड्रॉप की समस्या से परेशान टेलीकॉम डिपार्टमेंट को दिए गए निर्देश पर पीएमओ की तरफ से बयान जारी किया गया। पीएम ने कहा टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी समस्या से समाधान आधुनिक तकनीक पर आधारित होना चाहिए, साथ ही प्रोवाइडरों को पूरी तरह से ग्राहकों को संतुष्ट करना आना चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी ने बॉर्डर इलाके में मोबाइल नेटवर्क संबंधित मसलों का समाधान निकालने का टेलीकॉम डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं, जिससे कि कोई दुश्मन भारत विरोधी गतिविधियों में किसी भी तरह का इससे फायदा ना उठा सके।